बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस हम पहला इंटेस्टिनल नेमाटोड पढ़ने वाले हैं। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का दूसरा नाम है पिन वॉर्म, या इसको एंट्रोबियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसने पेरी एनल प्लूराइटस करवाना है। ठीक हो गया। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की कुछ लाइफ साइकिल इस तरह से है कि सबसे पहले इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, हमने कहा था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर हमने कहा था कि इसकी ट्रांसमिशन होती है इंजेशन ऑफ एग्स से, EAT। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज ए स्कैरिस और टीसर ट्राइचुरस, जिसको वेप वॉर्म बोलते हैं। इन सब की ट्रांसमिशन इंजेशन ऑफ एग्स से होती है, स्पेसिफिकली एम्ब्रियोनेटेड एग्स से होती है। अब होगा क्या, एग्स को इंजेस्ट किया, तो एग्स को इंजेस्ट करने के बाद फिर जो एग्स हो गए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हो जाएगी और वहाँ से लार्वा निकलेगा। फिर वो लार्वा अडल्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फिर वो अडल्ट मेल और फीमेल ये जाएगा क्लोन के अंदर। जो मेल का साइज़ रिलेटिवली छोटा होता है, लेकिन मेल की जो टेल होती है वो कॉइल्ड होती है। तो क्लोन में जाने के बाद अडल्ट मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, और फिर रात के वक्त क्या होता है कि जो अडल्ट फीमेल होती है ये एनस से माइग्रेट करती है, और जब वो माइग्रेट करती है तो फिर थाउजेंड एग्स छोड़ जाती है, एग्स को रिलीज़ करती है पेरी एनल स्किन पे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक हो गया। अब जो एग्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वो किसी ना किसी फूड का कंटेमिनेट कर देंगे, फिर उसी फूड को या वाटर को ले लिया तो दोबारा से साइकिल चलेगा, और ये साइकिल उसी बंदे के अंदर, उसी पेशेंट के अंदर दोबारा से हो सकता है कि अगर पेरी एनल स्किन की स्क्रैचिंग की और स्क्रैचिंग करने के बाद फिंगर्स को वापस माउथ में ले गए तो ये साइकिल दोबारा से उसी बंदे के अंदर री इन्फोर्स्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो री इन्फोर्समेंट भी हो सकती है, री इन्फेक्शन भी हो सकती है, या फिर किसी दूसरे बंदे को भी इन्फेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी चले जाते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से एक काम करता होता है। अब इसके पैथोजेनेसिस होता है क्या है कि जो प्रोटीन्स होती है, ठीक है, इसकी एग्स की या अडल्ट फीमेल की, जब वो एनस से माइग्रेट करती है तो उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। उस एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से पेरी एनल स्किन के ऊपर ईचिंग आ जाती है, जिसको प्रूराइटिस बोलते हैं। ईचिंग की वजह से जो स्किन है, फिजिकल बैरियर है, वो टूट जाएगा। जब स्किन वाला फिजिकल बैरियर टूट जाएगा तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, स्पेसिफिकली जो 12 साल से कम उम्र के होते हैं। अब इसकी कहते हैं कि इसके लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या है, इसके लेबॉरेटरी डायग्नोसिस ये होती है कि पेरी एनल स्किन के ऊपर जो एग्स होते हैं, ठीक है, तो उसको रिकवर करते हैं स्कॉच टेप से। उस स्कॉच टेप से रिकवर करने के बाद इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। कहते हैं कि इंटेस्टिनल नेमाटोड्स के एग्स होते हैं वो स्टूल के अंदर होते हैं, लेकिन एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के एग्स स्टूल में नहीं आते बल्कि स्किन में आते हैं, स्पेसिफिकली पेरी एनल स्किन में। तो वहाँ से एग्स को रिकवर करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें स्मॉल वाइट एग्स नज़र आएंगे। ठीक हो गया। ये स्टूल में भी शायद कुछ ना कुछ हो सकते हैं, या नियर द एनस भी हो सकते हैं उस चिल्ड्रन के जिसने डायपर वगैरह पहना हुआ है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ट्रीटमेंट मैंने लिखा हुआ है ऊपर कि जो अडल्ट होते हैं क्लोन के अंदर, तो उसको मारने के लिए AMP इस्तेमाल होता है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पेरेंटल पामोइट होती है। ये अडल्ट वॉर्म्स को किल करती है लेकिन अंडों को किल नहीं करती, जिसका क्या मतलब होता है कि क्या होगा कि उसको 2 हफ्ते तक लगातार ट्रीट करना चाहिए, वरना रीइन्फेक्शन हो सकता है। ठीक हो गया। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसको प्रिवेंट इस तरह से करना है कि हैंड्स की वॉशिंग करनी है। ठीक हो गया। ठीक है कि जब या बेड शीट को अच्छे तरीके से वॉश करना है, डायपर्स को भी वॉश करना है, क्लोथिंग्स को रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। तो किसी भी तरह से हमने एग्स के एक्सपोजर को मिनिमाइज़ कर देना है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। तो ये हो गया एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का ओवरव्यू। ठीक हो गया। अब दिल तो चाह रहा है कि हम एक और वॉर्म को भी कवर कर ले, लेकिन अब अजानें हो रही है तो आपने क्या करना है, छोटे से वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।